एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है, मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में, कमांड हॉस्पिटल आ रखी हूँ। तो गाइस, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मेरी हेल्थ डाउन चल रही थी, तो मैंने कहा एक बार दिखा लेती हूँ, बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कि इतना ये मतलब बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा एक बार चेक करवा लेती हूँ। तो कुछ ब्लड टेस्ट मेरे हो चुके हैं, कुछ की रिपोर्ट्स आ गई है, कुछ आज मुझे लेने हैं। घबराहट भी हो रही है, अभी नंबर लगा रखा है, तो देखते हैं अभी नंबर आने ही वाला है मेरा। मेरे को घबराहट हो चुकी, डॉक्टर क्या बोलेंगे। तीन चार रिपोर्ट तो मेरी आ गई है और दो तीन अभी यहाँ है, वो आज ही लेने हैं और आज ही डॉक्टर को भी दिखाना है। थोड़ा मुझे घबराहट भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, कोल्ड कफ फीवर, मतलब महीने में दो या तीन बार ऐसे हो जा रहा है। तो मैंने कहा एक बार दिखा लेती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग आ गए थे सुबह 8 बजे के लगभग, यहाँ पहुँच गए थे, अभी नंबर लगा रखा, नंबर आने ही वाला है। यहाँ देखो, यहाँ पे है आर्या। हेलो दोस्तों, आर अंदर परेशान कर रहे हैं, इसलिए बाहर आ रखे हैं क्योंकि टाइम है नंबर आने में। तो मैंने कहा तब तक बाहर बैठते हैं, क्या करो बैठे बैठे यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत की जाए। थोड़ी देर और टाइम पास कर लेते हैं बाहर, उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे, बताऊंगी आपको डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, क्या क्यों मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलती हूँ आपसे। 2000 years later. तो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ डॉक्टर को दिखा के, और सारी मेरी ब्लड रिपोर्ट जितनी भी थी वो भी आ गई है, सारी नॉर्मल है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आया, जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी नॉर्मल आ रखी है, ऐसा भी नहीं है किसी में कि कुछ प्रॉब्लम आई होगी। सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं किस वजह से। तो दो चार दिन की डॉक्टर ने कुछ ऐसी मेडिसिन दी हुई है, उसके बाद फिर बोला आने को, अगर इनसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर आगे देखेंगे। हाँ बेटा चलो चलते हैं, आ रहे यहाँ पे परेशान हो रही है, वो बोलते हैं चलते हैं। गोदी आ जाओ, आ जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। फाइनली जाके अब फ्री हो गई, नहीं तो एक इस बात की टेंशन थी कि यार मेरी कहीं रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, बहुत टेंशन में थी मैं कुछ दिनों से, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन में बीमार हो रही थी। लेकिन टेंशन इस बात की थी कि ब्लड रिपोर्ट मेरी कहीं खराब ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए। बस फाइनली जाके आज फ्री हो गई, ऊपर वाले का शुक्र है कि सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है। अब मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश है ना मामा, हैप्पी हो गई ना मम्मा, की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना? है? इसी बात में पूछी चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं घर के लिए, काम टाइम से निपट गया, तो यहाँ पर रह के भी क्या करना है, आ रहा परेशान कर रही है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घर, उसके बाद मिलेंगे आपसे, ब्लॉग में बने रहिएगा आप। जस्ट अभी हम लोग हॉस्पिटल से घर पहुँचे और पार्सल वाले का कॉल आया, उस टाइम मैं रास्ते में थी, मैंने उसका 10 मिनट गेट पे वेट किया। जैसे ही घर पहुँचे उसका कॉल आया कि मैडम आपका पार्सल आ गया। पार्सल क्या रखा वो मैं आप लोगों को घर आके दिखाऊंगी। तो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था, तो गेट पर रखवा रखा है, अभी जा रही हूँ। धूप देखो 12 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप लग रही है ना भैया, धूप सही नहीं जा रही। आर्य का रिएक्शन देखना, इतनी हैप्पी हो जाएगी ना अपनी फ़ोटो देख के, अगर अच्छी आई होगी तो, अच्छी बनी होगी तो। पार्सल वाले का जब कॉल आया इतनी हैप्पी हो रखी थी, मम्मा मेरा फोटो आने वाला है। अभी उसका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। हाय बाबा, धूप इतनी तेज लग रही है ना भाई को, मई जून वाली धूप हो रखी है यहाँ पे। लड्डू ये देखो, ये क्या है, फोटो दिखाते हैं आर्य की फोटो आपको। ये मैंने कस्टमाइज करवा रखी थी मीशो से, अब देखते हैं कैसी आई है। वो वाली भी मैंने कस्टमाइज करवाई थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लो प्राइस में है, ये अच्छी है। गाइस हेलो, हेलो हाय, हेलो गाइस, आर्य की फोटो आ रखी गाइस। डैडी को पूछ लो, मम्मा के लिए कॉफी बन गई, जाओ पैकिंग काफ़ी अच्छा करते हैं वो लोग।
सरप्राइज। डैडी को दिखा क्या आ रहे। बहुत हैप्पी हो गई अपनी फोटो देख के। कैसी लगी बेटा? मेरा बच्चा अच्छा लगा? तिरंगा वाली फोटो, ये ग्रीन सूट वाली फोटो। अरे कैसी लगी बेटा फोटो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगी सच में? थैंक यू कौन बोलेगा मामा को? थैंक यू मम्मा। बच्चा हैप्पी हो जाता है, बहुत हैप्पी हो गया। तो चलिए गाइस चेंज वेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि इससे खुशी की बात मिले और कुछ हो ही नहीं सकती थी। कुछ दिनों से मुझे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी थी कि मेरी रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या आएगी, जिस हिसाब से मेरी कंडीशन हो रखी थी, तबीयत जिस हिसाब से मेरी डाउन हो रखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो प्रॉब्लम है तभी ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, डॉक्टर का कहना है। तो अभी देखते हैं, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है तो ऑब्वियसली मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी। तो इसी खुशी में आ रही की फ़ोटो भी आ गई है। और जैसे मैंने बताया मेरा थोड़ा सा बीपी डाउन है, तो बीपी डाउन के लिए खुद ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ऐसी चीज़ें खुद ही मतलब मेडिसिन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत वैसा हो जाएगा कि आपको अभी से मेडिसिन बीपी का वो भी सही नहीं है। तो खुद से कॉफ़ी वगैरह एंड डार्क चॉकलेट वगैरह नमक मिर्ची ज़्यादा खाना होगा, तभी मैं अपना बीपी को कंट्रोल कर सकती हूँ, बीपी थोड़ा सा अप कर सकती हूँ। तो मेरे लिए बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी, दिखाती हूँ मैं आपको गर्मा गर्म कॉफ़ी। अभी दूध बॉयल हो रहा शायद, कॉफी स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे 8:30 और वहाँ से आने के बाद लंच वगैरह किया और उसके बाद सो गए। इतनी मस्त नींद आई ना, टेंशन फ्री होके कितनी अच्छी नींद आती है। और उसके बाद चाय वाय पी, उसके बाद चली गई थी मैं घूमने के लिए, वॉकिंग करके आई। और उसके बाद यहाँ पे आर्या कर रही है, क्या कर रही है? वीडियो शूट। वीडियो शूट है, स्टडी कौन कर रहा है? गाइस कर रहे हैं। अरे कि मैं आपको थोड़ा राइटिंग दिखा लेती हूँ कैसे बना रही है। यहाँ देखो पेंसिल मुंह में नहीं डालते। क्यों? मैं भी बनाना। नहीं नहीं बहुत अच्छा बना रखा बच्चा। मैं पहले देख। एक बार दिखाने दो मुझे, बहुत अच्छी राइटिंग बना रखी मेरे बच्चे ने। ये देखो मेरी यार वीडियो ही नहीं बनाती भैया, पढ़ाई भी करती है। बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा, ये सब उल्टा दिख रहा है पेंसिल। ये मेरी आर्या की राइटिंग देख सकते हैं आप। और आज डिनर बना रहे हैं आर्या के डैडी जी, और डिनर में बन रहा है अंडा बिरयानी। तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे बना रखा अंडा बिरयानी, ब्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल मैं भी आर्या को पढ़ा रही हूँ। बोलो मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अरे की स्टडी कंप्लीट हो गई है, किचन से आ रही है बड़ी अच्छी खुशबू, तो चलते हैं देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी महक आ रही है। देख सकते हैं आप किचन का जिम्मा संभाल रखा है इन्होंने। किचन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्पेशल अंडा बिरयानी। अभी तो प्याज लहसुन कूटा जा रहा है, प्याज की अच्छी सी खुशबू आ रही है।
तो जब लास्ट में फाइनल हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बना रखा है इन्होंने, देखते हैं। कई बार बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही बना रहे हैं, कई बार बनाया है और बनाते हैं, लेकिन बोल रहे कि आज मैं स्पेशल बना रहा हूँ, तो देखते हैं टाइप का बना रहा हूँ, तो देखते हैं। चलो जी आ जाओ जी। तो गाइस फाइनली मेरे हस्बैंड ने आज अंडा बिरयानी बना लिया है। इसको टाइम, इसको बनने में टाइम लगे लगभग 1.25 घंटा लगभग 1.25 घंटा लग गया है। अब टेस्ट करके ही बता पाऊंगी कि कैसी बनी है बिरयानी, क्योंकि 1.25 घंटा लगा है तो कुछ स्पेशल ही होगा, और कुछ मतलब 1.25 भी नहीं 1.25 से भी ज़्यादा लगा, 1.5 2 क्या पता इतना लगा होगा वो तो कुछ। यहाँ देखो खाने भी लग गए। कैसा बन लगा बिरयानी अभी मैं ही बता पाऊंगी ना टेस्ट करके। ये देखो दिखने में तो काफ़ी लजीज लग रहा है, अब जब मैं खाऊंगी टेस्ट करूंगी तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, देखते हैं ठीक है। वो तो यहाँ पे खुद ही खाने लगे तो बता भी नहीं रहे, अपना बनाया हुआ बोल रहे ऐसी लगता है। ठीक है टेस्ट करके कि मेरे हस्बैंड ने बिरयानी कैसे बना रखी है, बोलो ना आज स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ। कई दिन जैसे मैंने बताया कई दिन बनाते हैं, बट बोल रहे कि आज स्पेशल, तो एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। वंस मोर बहुत टेस्टी, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत टेस्टी बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। तो गाइस अब बिरयानी खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, ऑलरेडी टाइम काफी लेट हो चुका है, 10:15 हो गया है रात का। तो चलिए तो यही था आज का ब्लॉग, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।